Now I request our guest of honor, Dr. V.M. Katoch, sir, to address the gathering. आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद पॉल, चेयरमैन एमसीआई, मेंबर नीति आयोग, एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर वाईके गुप्ता, यहाँ के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह, प्रोफेसर अरोड़ा और श्री अब्राहम जी, सभागार में उपस्थित पूर्व निदेशक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट आईसीएमआर इंस्टीट्यूशंस के पास्ट और प्रेजेंट डायरेक्टर्स और बहुत सारे यहाँ मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी के भी पूर्व वाइस चांसलर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, यहाँ की फैकल्टी, दोनों ही बैचेस के एमबीबीएस के जो पासिंग जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए आज, नर्सिंग के भी सभी छात्र जो आज पास आउट हुए, उनके पेरेंट्स, सभी को मेरी ग्रीटिंग्स। बस भाई के गुप्ता ने आपके सभी के ऊपर इतना सारा आपको होमवर्क दे दिया कि मुझे लगा नहीं कि मैं आपको कुछ ज़रा सलाह दूं, क्योंकि जैसे भी ये एम्स की एम्स बने हैं सारे एक के बाद एक, वो एक अंदर से डीप रूटेड, यू नो, पहला एम्स तो बना क्ले कट मैंडेट था, भूर सर जोसेफ भूर कमेटी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, बाकी इंस्टीट्यूशंस एक अजीब विषमता के कारण बने। आज़ादी के बाद के हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस थे ऑलमोस्ट सारे ही बढ़िया थे, उनके डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, पैरा क्लिनिकल वाले, दूसरे सर्विसेज वाले, पार्टिकुलर पैथोलॉजिस्ट, सभी के सभी छोटी से छोटी जगह बगैर किसी इक्विपमेंट के काम करते थे, और 50s, 60s, 70s में खूब उनके बढ़िया शोध भी होते थे, उनके स्टूडेंट्स जो डॉक्टर साहब ने कहा क्लिनिकल सेंस में माहिर थे, और दे वर अमंग द बेस्ट, बट डजंट मीन कि आगे का समय अच्छा नहीं बीता। उसके बाद का जो दौर था हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन पन पे, वो मूव किए टाइम के साथ, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशन चाहे वो सरकारी तंत्र में थे या प्राइवेट तंत्र में थे, उनमें समस्याएं आई। बेसिकली वो सोशल इवोल्यूशन का परिणाम है एक्चुअली, और कुछ नीतियों का परिणाम है, कुछ सोशल इवोल्यूशन का परिणाम है, उसमें जाने का कोई मकसद नहीं है। तो एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस हों हर रीजन में, एम्स ही हों हर इंस्टीट्यूशन में, केरला में जाते हैं तो श्री चित्रा तिरुनल ही चाहिए उनको, वो एक जनता की आकांक्षा है कि हमें हमारे इस एरिया में बेस्ट केयर मिले जिसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़े। सौभाग्य से हमारे एम्स, पीजीआई, संजय गांधी, सीएमसी बेलोर, इन इंस्टीट्यूशंस में दुनिया में अपना एक स्तर कायम कर दिया। दैट मीन्स द थिंग्स आर डूएबल इन दिस कंट्री। प्राइवेट सेक्टर में मणिपाल निकला, जीएसएस निकला, तो यहाँ पे हाइएस्ट बेंच मार्क्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, ट्रेनिंग में भी, पेशेंट केयर में भी, साइंस में भी। तो एज ए इंडियंस, यस, वी हैव ए कॉन्फिडेंट दैट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड हमारे जो वो शुश्रुता और चरका वाले जीन्स विद्यमान हैं हमारे अंदर, लेकिन धरातल पे दूसरों को वो क्वालिटी के डॉक्टर नहीं मिल रहे, वो क्वालिटी के एकेडमिशियंस नहीं मिल रहे, वो नया नॉलेज जनरेट करने वाले जिसे एक नीति बन सके वो नहीं मिल रहे, तो एम्स आए। तो एम्स एक अंदर से बड़ी भरी हमारी आकांक्षा, फ्रस्ट्रेशन का प्रतिबिंब है एक्चुअली, कि दूसरे नहीं कर पाए तो चलो भैया एक इंस्टीट्यूशन तो खड़ा करके दिखा दें हम, इससे लोगों को कुछ मिले। सो आकांक्षा है कि पेशेंट केयर की बेस्ट एक्सेलेंट सरेंडर्स हों, उसके साथ हमारी टीचिंग के स्टैंडर्ड्स वही हों ताकि अगली वाली पीढ़ी सोचने वाली बने, और साथ में जो रिसर्च है वो उस एरिया की, उस पूरे रीजन की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको लिए नया नॉलेज जनरेट करें जो क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को बदलें। तो तीनों की तीनों गोल इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो छात्रगण कहीं से भी निकलेंगे उनसे आकांक्षा है कि वो कल
इस पूरे वातावरण को दोबारा से पॉजिटिव बनने में कंट्रीब्यूट करेंगे। कहीं भी सर्व करें, वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को करें, किसी अच्छे एलीट इंस्टीट्यूशन को करें, या कहीं बाहर जाएं, बट दे विल सेट द बेंचमार्क। लेकिन जैसे कि बात आई, जैसे डायरेक्टर साहब ने भी अपनी पूरी बात रखी, इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल ऑन द पैरामीटर्स जिस पे हम चाहते हैं, साइंस में भी, प्रोडक्शन में भी, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ के बढ़ने में भी। लेकिन ये जो पहले एक दो बैच निकले हैं, जिनके ऊपर मिस्टर भाई के गुप्ता ने भी बोला कि आप लोग यू नो आप इम्प्रिंट छोड़ेंगे सब जगह, आप डिफ़िकल्टीज में ग्रो किए, जैसे यंग स्टूडेंट्स ऑफ ए यंग चिल्ड्रन ऑफ द यंग पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके माँ बाप भी, अनुभव उनके पास भी था, उनके था या नहीं था मैं नहीं उसके ऊपर कमेंट करता, पर था ऑब्वियसली, तभी आप अच्छे निकले और साइंस भी वो कर रहे हैं, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी थी आपके साथ, लेकिन अच्छाइयाँ भी थी, जैसे कहा कि एक दूसरे के साथ क्लोज इंटरेक्शन, सब कुछ था, सब चीज़ें, तो प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं। मैं जिस कॉलेज से निकला, मैं भी चौथे बैच का था, तो हमें भी अपनी वो चीज़ याद आती है कि वो डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं सबको, लेकिन दोज डिफ़िकल्टीज़ कभी ये नहीं बताती कि आप इन्फीरियर थे। कल बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी तो ये नहीं आपके आने वाली पीढ़ी आपसे बेहतर होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग आप छाप छोड़ेंगे, वो एक भोपाल की एक आइडेंटिटी बनेगी सब जगह, तो वो एक इमोशनल इशू है। एक्चुअली आपके लिए इमोशनल इशू है कि जिस संस्थान से निकले वहाँ कैसे आपने क्या कैसे रखा, यहाँ की याददाश्त रहेगी सब कुछ, आपने क्या सीखा, लेकिन इस विषमता के अंदर जो आपने सीखा वो आपके आप यू विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द न्यू जनरेशंस टू कम, चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे वो नर्सिंग वाले हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बात हुई अभी, क्योंकि इस कंट्री के अंदर जो हमने नर्सिंग और दूसरी सर्विसेज को इग्नोर किया काफ़ी हद तक, आर्मी को छोड़ के, एम्स दिल्ली को भी छोड़ के, वहाँ पे भी नर्सिंग के लिए काफ़ी अलग कम करने का स्कोप था, अभी भी है प्रेजेंट में भी, बाकी जगह पेशेंट के आउटकम्स दे ऑल डिपेंड अपॉन दी इंटीग्रेटेड सेटअप, जहाँ की सारे के सारे सक्षम हैं, सारे के सारे ही सक्षम हैं, आउटकम्स जो हैं उस पर आधारित होंगे। तो आई थिंक आप जो लोग सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स आगे, वो आने वाले समय में अपने ढंग से ही आपको भी याद रहेंगे और आपका इम्प्रिंट भी जाना जाएगा सब पर। तो मैं पहले सभी छात्रों को, उन मेडल लेने वालों को भी जिनको मेडल नहीं भी मिला, सभी को बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी देता हूँ, क्योंकि आपका टाइम अलग ही था। हमें आज इस मौके पे आके आपको शुभकामनाएं देने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा ये बात भी, लेकिन आगे का जो रोड दिखता है, मैं जैसे अभी प्रेसिडेंट महोदय के भाषण को सुन रहा था, इनके हर वर्ड में एक आकांक्षा झलकती है कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्योंकि इस पीरियड में करने का समय कभी आता नहीं है वापस। तो यहाँ की फैकल्टी वो जो 50-55 थी, मैं 16-17 केस में देख रहा था, अभी 160-170 हो गए, आधे से करीब पहुँच गए लोग, तो इतना नंबर गिनती कम नहीं है, 550-600 बेड्स आ गए आपके पास, सब चीज़ें आ गई, लेकिन चीज़ें निर्धारित नहीं करेंगी आपका थिंकिंग। इट विल, अगर आप टेक्नोलॉजी सेंट्रिक हो गए, फॉरनर्स की तरफ कॉपी पेस्ट वाली पेपर छापते रहे कि उसने भी चार जीन देखे, मैंने भी चार जीन देखे, उसने भी कोई पैरामीटर लगाया, मैंने भी लगा दिया, तो अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी सेंट्रिक कॉपी कैट रहेंगे, तो हमने एम्स जिस हिसाब से नहीं बनाए, एम्स जो बने हैं सरकार में वो ओरिजिनलिटी के लिए है, नोबल्टी के लिए है, ताकि आप न्यू साइंस जनरेट करो एक्सेलेंट पेशेंट केयर के साथ साथ, जिससे कि इंडिया टॉर्च लीडर बने। अगर 30 इंस्टीट्यूशन एम्स के हैं पूरे आने वाले समय में मान लो, प्लस इतने सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज भी हैं सिस्टम में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में, तो हमारे पास नॉलेज जनरेशन के लिए कॉपी कैट बनने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कुछ सालों के बाद, और कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कंट्री हमेशा चिंतन में सबसे अग्रणी रहा वो सिर्फ कॉपी कैट में क्यों रहेगा अपना। तो समय आगे के लिए है, जो ना तो जो बच्चे आज पास आउट रहे, ना के बलूनी की भी बोल रहा हूँ, क्योंकि चूँकि प्रोफेसर गुप्ता जी ने काफ़ी ब्रॉड कवरेज किया, तो मैं थोड़ा प्रॉम्प्ट हो गया बोलने के लिए, वो चैलेंज है आपके पास, चैलेंज नोबल्टी का है, एसेंशियली एक ही चीज़ का है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल है ये बात। शुश्रुताचार्य कॉल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर नहीं थे, मैं सबको बोलता हूँ ये बात, वो इसी, और अभी से हमारी से 50-60 की जनरेशन वाले, आज़ादी से पहले के भी मेडिकल कॉलेजेस में काम करने वाले जिनके पेपर साइट होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। सो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी सेकेंडरी, वेरी वेरी सेकेंडरी, इट इज़ रिक्वायर्ड, वी डोंट हैव टू गो बैक टू द ओल्ड टाइम्स, इट मेक्स यू थिंग्स फास्टर, इट मेक्स यू डू एनालिसिस विच इज़ नॉट पॉसिबल अदरवाइज, बट दिस इज़ नॉट द एंड इन इटसेल्फ, ये आपकी कामयाबी का एक लिए कोर नहीं है।
ये अपने दिमाग में रखेंगे सारे आप यहाँ की फैकल्टी भी और जो बच्चे यहाँ से निकले हैं आज, क्योंकि कल का आपका भविष्य किसी को पता नहीं है आप क्या करेंगे, किस सब्जेक्ट में करेंगे, मे बी सिविल सर्विस में जाएंगे, मे बी कुछ और करेंगे आप, लेकिन अगर आप ओरिजिनल इनोवेटिव माइंड हैं जिसके लिए ये संस्थान क्रिएट हुए, तब उस एक्सेलेंस में जिसमें देश ने इन्वेस्ट किया है वो सार्थक होगा। नहीं तो एक और मृग तृष्णा की तरह कुछ और आइलैंड खड़े कर दिए जिनका थोड़ा टेम्परेरी फ़ायदा तो लोगों को होगा लेकिन वो नहीं होगा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो एक राजनीतिज्ञ की आकांक्षा थी उसकी आकांक्षा में ही एंड हो गई कि चलो बढ़िया है वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, वो भी चाहिए लेकिन उस वो सिर्फ एक तिहाई है, दो तिहाई वो है जो वो नहीं बोल रहे हैं, दो तिहाई वो है कि आपको अग्रणी बन के कल दुनिया में भी और अपने देश में भी वही इनोवेशन ओरिजिनलिटी की तरफ जाना है जो कभी हम थे लेकिन हम खो गए, वी हैव टू रिवाइव। तो आने जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके ऊपर भी वही बोझ है, जो फैकल्टी है यहाँ उनके ऊपर भी वही बोझ है और लीडरशिप के ऊपर भी वही बोझ है। मैं तो सिर्फ आपको बाहर से आशीर्वाद देने वालों में हूँ और कभी कभी आगाह करने वालों में हूँ, सलाह देने वालों में हूँ, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ये पहला कन्वोकेशन दिवस सभी को याद रहे, इसके बाद ईयर बाय ईयर हम सोचते जाएंगे हम कहाँ पहुँचे, आई थिंक दैट्स द वे वी शुड लुक एट। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और जय हिंद।